वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि संतरे की हेल्प से और संतरे के छिलके के पाउडर की हेल्प से हम किस तरह से स्किन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं, स्किन पे एक इंस्टेंट ग्लो ला सकते हैं, स्किन पे से पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं और दोस्तों स्किन को काफ़ी हेल्दी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, संतरे में फाइबर पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं और विटामिन सी और बी भी पाया जाता है, जो हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है और खूबसूरत बनाने में हेल्प करता है, स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो लेकर आता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको तीन उपाय बताऊंगी जिससे आप स्किन पे बहुत अच्छा गहरा रंग पा सकते हैं। सबसे पहला उपाय, क्लींजिंग। दोस्तों, क्लींजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेहरे पर ग्लो और निखार लेकर आने के लिए और चेहरे पर से गंदगी, डस्ट, पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। तो सबसे पहले आपने 2 चम्मच ऑरेंज जूस लेना है और 2 चम्मच मिल्क लेना है। आपने रॉ मिल्क लेना है यानी कि कच्चा दूध। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और कॉटन बॉल की हेल्प से फेस पर अच्छी तरह से 10 मिनट तक लगाकर छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं। आप हर रोज इसे यूज़ कर सकते हैं, इससे स्किन काफ़ी हेल्दी होगी, स्किन पे से पोल्यूशन, डस्ट की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो नेक्स्ट उपाय है दोस्तों, वो है संतरे के छिलके का पाउडर। फ्रेंड्स, संतरे के छिलके का पाउडर अगर आप घर पर तैयार करें तो बहुत बढ़िया होगा। आपने सिर्फ संतरे के छिलके लेने हैं, उन्हें छाए में सुखाना है। छाए में सुखाने के बाद आपने उसका पाउडर तैयार कर लेना है। आपने उस पाउडर के 2 चम्मच लेने हैं और उसमें 2 चम्मच दही मिक्स करना है और 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन जूस करना है। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अपने नेक एरिया पे और चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं। आपने इस पेस्ट को 20 मिनट तक चेहरे पर लगा कर रखना है और फिर ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेना है। आप वीक में इसे 2 बार यूज़ कर सकती हैं। इससे आपकी स्किन से एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और ये आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो भी लेकर आएगा। जो थर्ड उपाय है दोस्तों, ये आपको सालों तक जवान बना के रखेगा। इससे आपकी ढीली स्किन टाइट हो जाएगी, स्किन पोर्स ठीक हो जाएंगे और साथ साथ स्किन काफ़ी अच्छी स्मूथ और क्लीन हो जाएगी। इसके लिए आपको 2 चम्मच छिलके का पाउडर चाहिए, 4 चम्मच आपको गुलाब जल चाहिए, 1 चम्मच आपको चंदन पाउडर और 1 चम्मच आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगता है कि इसका पेस्ट तैयार नहीं हुआ तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करके एक थिक पेस्ट तैयार कर लेना है। इस पेस्ट को आपने पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है 30 मिनट के लिए, उसके बाद इसे लगाकर छोड़ दीजिए। आप इस उपाय को वीक में 2 बार कर सकती हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल है स्किन को हमेशा के लिए जवान बनाने के लिए। दोस्तों, जो मैंने सबसे पहले आपको क्लींजिंग का उपाय बताया है, उसे आप हर रोज यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दोस्तों, आप इसे यूज़ करें, इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे क्लिक करें और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय।